क्या पूरा घटनाक्रम जी? मैं क्या है, चेतकपुरी की साइड है ना, कैंपिंग करने जा रहा था, तो मैंने देखा कि है ना वहाँ पे एक आदमी है ना, कहते हैं एक बच्ची को खींच के ले जा रहा है, तो उसने वो चिल्ला रही थी और उसने छूटने की कोशिश करी, तो वो छूटने की कोशिश करी तो उसने बाल पकड़ के उसको रगड़ दिया पूरे धरती पर, कहता हुआ मारुति वैन में अंदर उसने खींच लिया और बिठाने लगा। तो मैंने देखा उसको, तो मैं उसको दौड़ के मैंने उस लड़के को पकड़ा, उसको दबोचा, और लेकिन चूंकि दो जने थे, एक उसमें ड्राइवर भी था उसको, तो वो दोनों जने आ गए। फिर मैंने लोगों को चिल्ला के बुलाया, तो आम जनता भी आई बुला करने के लिए, और वो भाजे साइड से है ना क्या कहते हैं चाकू उसने निकाल लिया, तो फिर हमने उसका चाकू वगैरह पकड़ा और फिर उसको बच्ची को साइड में डाला। बेचारी बहुत रो रही थी और बहुत है ना डर गई थी, सहमी हुई थी, उसके बेचारी के कपड़े वगैरह भी है ना क्या कहते हैं पूरे मतलब वो हो गए, और उसकी सारा मतलब बहुत मतलब परेशान थी। लेकिन बस ये है कि उस बच्ची को उससे बचा लिया, नहीं तो वो किडनैप करके पूरी ले जाने की योजना थी उसकी। आप पे भी हमला करने का कोशिश की? उसने मेरे को मतलब उसने मेरे को भी है ना क्या कहते हैं दो तीन, वो जो पीछे से आया आदमी ड्राइवर, उसने है ना क्या कहते हैं मेरे पे दो तीन झापड़ भी मारे, लेकिन मैंने उसको जो बदतमीजी कर रहा था लड़की से और पकड़ के ले जा रहा था, उसने मारुति में वैन में बिठाला, तो मैंने उसको पकड़ के छोड़ा नहीं। फिर भी उसने मेरे में पीछे से तीन चार है ना क्या कहते हैं घुसे लात वगैरह भी मारी, लेकिन मैंने उसको छोड़ा नहीं जब तक जनता ड्राइवर को और दोनों को पकड़ लिया गया है, गाड़ी फरार। हाँ नहीं, गाड़ी भी पकड़ ली है और ड्राइवर भी, फिर हमने पुलिस को फ़ोन लगाया तो पुलिस ने तत्काल है ना संज्ञान में लेके और उसको मदद के लिए हमें भेजा, और उन मैं सारी झांसी रोड थाने की पुलिस का शुक्रगुजार हूँ जिन्हें इतनी जल्दी से तत्परता दिखाई और एक बेटी की है ना क्या कहते हैं ज़िंदगी को बचाया। ठीक, आप अपना परिचय दीजिए। जी मैं मनोज अग्रवाल हूँ, मेरी इंदरगंज चौराहे पर बाबा जनरल स्टोर है और मैं बेटियों की आवाज़ संस्था का अध्यक्ष भी हूँ। मेरे को ये सौभाग्य मिल गया कि मैंने एक बेटी को बचाने में कुछ अपनी भूमिका अदा की। ठीक ठीक, ये अभी सूचना मिली थी कि चेतकपुरी चौराहे के पास एक मारुति वैन से एक बच्ची के अपहरण का प्रयास किया गया था, वो रिश्ते में उसके मामा की लड़की मतलब उसका जीजा लगता था। अब किन परिस्थितियों में कैसे वो करना चाह रहा था ये तहकीकात से पता चलेगा, और बाकी ये बच्ची अपने पिता का इंतज़ार कर रही है, उसके बाद फिर FIR और आगे की कार्रवाई। क्या क्या बरामद हुआ है इनके पास से? उस पर एक चाकू मिला है। आरोपी सर पकड़ा है? आरोपी को पकड़ के ले आए थे साथ में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।